हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक, जिसका परिणाम घोषित हो चुका है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे डाउट अभी तक बाकी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि रिजल्ट घोषित हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि दिल्ली वन रक्षक का जो परिणाम है वो घोषित हुआ है, परंतु उसके पीछे हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि ये रिजल्ट जो है ये फेक है या सच है। तो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी जानकारियों के बारे में बताऊंगा कि सरकार की या आपका डिपार्टमेंट की क्या रणनीति है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या रिजल्ट फेक है या रियल है? दोस्तों, आप सभी को पता है, जब भी हमेशा जब हमारा परिणाम हमारी आंसर की जब भी कोई भी चीज़ जब भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको पता है ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, देन उसके बाद सरकारी रिजल्ट .com के ऊपर आती है। तो दोस्तों, आप बताना कि जब इसका जब रात को इसका आठ शायद मेरे ख्याल से इवनिंग के टाइम में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, लेकिन कट ऑफ मार्क्स तो दिखाया भी नहीं था इसका कोई, और एक बस PDF के अंदर इसका रोल नंबर और आपका रोल नंबर के साथ SR नंबर कैटेगरी वगैरह दिखा दिया ये। तो दोस्तों, एक चीज़ बताओ, उसमें कोई स्कोर कार्ड नहीं है। ठीक है, हर कैटेगरी वाइज एक वो बना एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ रेडी किया जाता है कि जनरल OBC का कितना है, वो तक नहीं है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है मेरी कि जब कट ऑफ जब रिटर्न का कट ऑफ इतना हाई है, सोचो आप 182-95 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो प्री की कट ऑफ ही अगर मेन्स की मैं बात करूँ यानी फिजिकल की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि ये चल क्या रहा है वन रक्षक विभाग के अंदर ये। तो मैं आपको यही सच बताने वाला हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। यहाँ देखिए, विभाग वालों ने क्या किया पता है, सबसे बड़ा सच बताता हूँ इन्होंने क्या किया। जो बंदा माना जैसे कि 211 पोस्ट था, 224 टोटल था, 11 पोस्ट रेंजर का था, उसको उड़ाओ। हम 211 पोस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे। 211 पोस्ट वालों के जो बच्चे कह रहे सर मेरा 284 नंबर है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं उनको भी बताता हूँ, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मंत्री के जो रिलेटिव्स थे उन लोगों ने क्या किया होगा, कॉल पे बात किया होगा कि सर कि सर हमारे बच्चे का ये कर दो आप। तो उस जिस बच्चे का जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो मतलब उसके एवरेज उसके आसपास जो बन रहा था, उसकी जगह उसने दूसरे की वो दे दिया, हेर फेर कर दिया, मतलब कि उन्होंने एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, जो उनका कोई रिलेटिव था उसकी सोर्स लगा के उसकी सीट उसको दे दी है। तभी तो एक बंदा जनरल का OBC का, अलग अलग बंदे हैं, जो एक कह रहा है कि सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ पर मेरा कितना मार्क्स है, मेरा तो हुआ नहीं सिलेक्शन, पर मेरे दोस्तों का मेरे गांव से सिलेक्शन। वो कह रहा है एक OBC वाला 177 मार्क्स लेके आया, और जो OBC जो जनरल वाला है वो बंदा बताओ क्या बोला कि मेरा 182 मार्क्स है, तो सर उसका भी हो गया था सिलेक्शन। फिर मैंने सोचा एक बंदा 185 वाला कॉल कर रहा मुझे, वो उसका सिलेक्शन हुआ नहीं और 177 और 182 वाले का सिलेक्शन हो गया, तो ये कुछ धांधलीबाजी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ने धांधलेबाजी की है, और ये धांधलेबाजी ना ये सब कुछ उनका खेल है, चक्रव्यूह है एक तरफ से। ठीक है, और मैं एक आपको एक क्लू दिखाऊंगा। ठीक है, वो क्लू मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है वो चैनल के मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने भी ये मतलब कि परिणाम को लेके जो ये क्वेश्चन है, डाउट्स है कि सर रिजल्ट ये क्या ये रिजल्ट सच है या रियल है, देखो दोस्तों ये रिजल्ट मुझे तो फेक लग रहा है। क्योंकि फेक इसलिए लग रहा है कि इन्होंने जो पोस्ट के अंदर बोला गया था, जब इसका विज्ञप्ति आउट हुआ था तो इन्होंने बोला था कि हम 10 times लेंगे, 1.5 गुना लेंगे, 10 गुना लेंगे, जो भी। इन्होंने तो 0.5 गुना भी नहीं लिया है कैंडिडेट को, 211 पोस्ट, ठीक है, 253 ही ले रखे इन्होंने, जबकि 10 गुना लेने थे। 10 गुना कितना होता लगा सकते हो आप अंदाजा, तो इन्होंने तो 253, बाकी कहाँ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मेहनत तो सभी ने किया, स्ट्रगल सब ने किया, ऐसा तो है नहीं कि 211 जिन्होंने, अब 211 में से ये भी नहीं ना पता कि वो भाई कौन है, जो भी है मिनिस्टर के बच्चे कौन है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी ने मेहनत किया है दोस्तों, आप सभी ने एफर्ट किए अपने, ठीक है, आप अपनी जगह सबने। कल एक लड़की का कॉल आया, मिस कवि, उसका नाम है कविता राजपूत, ठीक है, UP से बिलोंग करती है, कह रही सर मैंने बहुत मेहनत किया, 157 मार्क्स उसका बन रहा था, ठीक है, और OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब तो लड़की बेचारी मेरे पास बोली सर क्या इतना बुरा हो रहा है सर, ये सिलेक्शन वगैरह इतने टाइम से हमने वेट किया इस चीज़ का, लेकिन और ये हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सरासर झूठ है, गलत है कि जिस बच्चे का 187 182 100 जो भी मार्क्स बन रहा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जितने भी ये बच्चे हैं 180 वाले 70 की कैटेगरी वाले, इन सभी बच्चों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप सभी के सभी क्या है कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट केस से ही आपका सल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं।
कोई ट्विटर कैंपेनिंग मत करो, कोई किसी मंत्री के पास ना जाओ, आप सीधे क्या करो, आप सीधे एक वकील को पकड़ो, वकील को पकड़ो, वकील से देखो पैसे तो थोड़ा बहुत लेंगे क्योंकि रिश्वतखोरी है यहाँ, ये भारत है, रिश्वतखोरी का नंबर वन वो है ये। तो आप सभी लोगों को एक सच्चाई के साथ जंग लड़नी है। अगर आपने मेहनत की होगी ना, तो जब इंसान की मेहनत की होती ना, तो वो चाहे अधर्म असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना होता है, फिर भी उसके सामने नतमस्तक हो ही जाता है। तो इसीलिए आप सभी को मजबूत बनना है, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है कि यार लोग बोल रहे हैं कि चलने दो यार भाई, जितने हुए सिलेक्शन, जिन बच्चों के हुए सिलेक्शन हो गया उतना बस, अब छोड़ दो तुम ये कि बाकियों का ऐसे, ये गलत है, ठीक है। आप सभी लोगों को बस एक युवा संगठन होना पड़ेगा यार, संगठन होके ही सब कुछ होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि। और हाँ, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए दिल्ली तभी जाएंगे जब एक ग्रुप के अंदर जिन जिन बच्चों के मार्क्स इतने बन रहे हैं 80 वाली कैटेगरी के, 180 की कैटेगरी के, तो उन सभी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और एक टाइम रख लो, इस टाइम को जाएंगे, इस टाइम को जाना है, ठीक है। आप ये मत सोचिए ना कि फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो आप ऐसे मत सोचो ना कि जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया या घोषित कर दिया, आप वही मान रहे हो कि नहीं ये सही है, सत्य है वो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया। नहीं यार, तुमने मेहनत किया है, तुम्हारा मार्क्स जब इतना बन रहा था, तो तुम जब उस 182 वाले का किया तो तुम्हारा क्यों नहीं किया। ये है पॉइंट की बात करने, पॉइंट पे बात करो। मैं ये बोलता हूँ कि जब भी आप जाते हो विभाग के अंदर जाते हो, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखो। जब तक पॉइंट टू पॉइंट बात करना नहीं सीखोगे ना, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट सोचता है कि लुल्लू है, हमको कुछ पता नहीं है, हम ये जो कैंडिडेट लोग हैं, मैटर ये नहीं करता यार सिलेक्शन, मैटर ये करता है कि सभी बच्चों ने एफर्ट लगाया था ना, सभी बच्चों ने एफर्ट लगाया था। जब एफर्ट लगाया तो उस 182 वाले का सिलेक्शन हुआ, उस 185 वाले का क्यों नहीं हुआ, मुझे इस चीज़ का मेरे को आंसर देना। अब कोई बंदा कहता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ कम ज़्यादा, अरे उससे क्या मतलब भाई, उससे क्या मतलब, एफर्ट तो उसने लगाया ना भाई, दोनों ने एफर्ट लगाया, चलो मानते हैं अगर सपोज दैट उसका एज ज़्यादा ही है तो उसको दे दो, बट ऐसा तो है नहीं कि हर कंडीशन में यही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। और ये मैं एक ही बात बोलूँगा, पहले भी बोलिए और आज भी बोलिए, आप सभी के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी की है दिल्ली सरकार ने। और केजरीवाल भी सुने ये वीडियो को, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन दिल्ली सरकार के, दिल्ली के अंदर जब से ये घोटाले हो रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं रिजल्ट को लेके, आज परिणाम घोषित हुआ, लेकिन इसका तो कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिखाया। और जब यह सोचो रिटर्न की इतनी हाई कट ऑफ, फिजिकल में क्या होने वाला है, 200 में से 200 जाएगा फिर, तो इतना है किसी का स्कोर नहीं है, तो फिर तो कहाँ वो 244 पोस्ट और 88 पोस्ट जबकि आपका जनरल का है, ठीक है, 88 पोस्ट जनरल का है। तो आप खुद ही सोचिए यार कि ये जो इन्होंने अफवाहें फैला रखी ना।